अस्सलाम वालेकुम। आज ना आलू से बहुत ही यूनिक सी रेसिपी बनाती हूँ। मुझे आलू बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आलू से ना डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी मैं बनाती रहती हूँ, तो आज बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी बनाते हैं। तो क्या करना, आलू ले लेना और आलू को ना अच्छे तरीके से धो लेना, और फिर धो के इसे 50% उबाल लिया मैंने। और फिर क्या करना है, इसे एक आलू लेना इस तरीके से, और आलू को ना इस तरीके से थोड़ा फ्लैट कर देना। ये देखो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्लैट मत कर देना, थोड़ा सा दबा देना इसे। और फिर थोड़े से ना लहसुन की कलियाँ ले लेना और मिर्च ले लेना। और इसे ना इस तरीके से मैंने कूट लिया है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, हल्का सा कूट लेना है। और फिर इसे आलू में मिला लेना इस तरीके से, थोड़ा सा डाल देना ऑयल और नमक और काली मिर्च, और थोड़ा सा इसमें ऑरिगेनो भी डाल सकते हो आप। और ज़्यादा स्पाइसी करना है तो थोड़ा लाल मिर्च डाल देना। तो ये देखो जी, बिल्कुल इसे ना अच्छे तरीके से मिला लेना। मतलब थोड़े से मेरे आलू यहाँ पर टूट गए हैं, लेकिन आप केयरफुली मत, बहुत ज़्यादा आलू को मत उबालना। और फिर इसे शैलो फ्राई कर लेंगे, मतलब इस तरीके से फ्राई कर लो। थोड़ा ऑयल, मैं ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डाल रही हूँ। तो ये देखो जी, बिल्कुल मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। इसमें खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। जिन्हें गार्लिक फ्लेवर पसंद है उनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है ये। तो इसे ना बिल्कुल हम देसी स्टाइल में खाएंगे। तो मैंने थोड़ा प्याज, टमाटर और नींबू वूबू डाल के फिर खाया मैंने इसे, तो और इसी ग्रीन चटनी डाल दी मैंने, इससे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखो जी, कितना यमी लग रहा है ना ये। आप इसे वैसे ही फ्राई करके भी खा सकते हो, लेकिन मैं इसे बिल्कुल देसी स्टाइल में खाऊंगी। तो इस तरीके से बना के खाना बहुत ही यमी लगता है, बिल्कुल यूनिक, बहुत ही यमी लगता है। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।